असो नाम पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रशकृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरा गाङ्गवारिं महादेवमेकस्मरामि स्मरारिं। ओम नमः शिवाय। 59 साल बाद बन रहा विचित्र संयोग, एक ही राशि में सात होंगे छह ग्रह। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। उस खास प्रोग्राम भविष्यवाणी में मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। सबसे पहले राशि फल की शुरुआत करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरवरी में कौन सी राशि कौन सा ग्रह प्रवेश करने जा रहा है। इस बार फरवरी में 59 साल बाद एक अजीब संयोग बनने जा रहा है। 10 फरवरी की रात को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा और इसी के साथ ही एक अद्भुत महासंयोग 59 साल बाद बनेगा। इस अद्भुत संयोग पर दुनिया भर के ज्योतिषियों की नज़र है। दरअसल मकर राशि में कुल 9 ग्रहों से 6 ग्रह आकर मिलेंगे। ज्योतिष के मुताबिक जब एक ही राशि में 5 या उससे अधिक ग्रह युति का निर्माण करते हैं तो देश दुनिया के बड़े भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। मेदिनी ज्योतिष के मुताबिक इस प्रभाव से इतना ज़्यादा असरकारी होता है कि इसे कई दशकों तक देखा जा सकता है। दरअसल मकर राशि में सूर्य, गुरु, शनि, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह एक राशि में आने वाले हैं। एक ही राशि में ज़्यादा ग्रहों की कई ग्रहों की युति के कारण निर्माण के प्रभाव के बारे में नारद मुनि रचित मयूर चित्रम में दिया गया है। तो चलते हैं, अब नज़र डालते हैं राशि फल पर। मेष राशि वाले, मेष राशि के जातक जल्दबाजी में किसी प्रकार का लेन देन करने से बचें, नहीं तो उन्हें बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। धन का निवेश सोच समझ कर करें। यह समय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने का है। आप में से कई लोगों का मन घर की साज सजावट और सुंदरता को बढ़ाने में लगेगा। आपके लिए उपाय है, आप सोमवार का व्रत करें, शाम को मीठा भोजन करें। वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि के जातक भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करें, नहीं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाजार के रुख को देखकर ही धन का निवेश करें, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। घर के प्रति और संबंधों के प्रति आपकी ऊर्जा अलग रहेगी। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर फिटनेस से जुड़ा कोई नया सुझाव दें। हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समय बिताएं। किसी बात को लेकर दरार पैदा भी हो सकती है। आपके लिए उपाय है, आप बुधवार के दिन साबुत मूंग किसी अनाथालय में दान करें। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि के जातकों के लिए आलस को त्याग कर आय के स्रोत विकसित करने पर आपका ध्यान रहेगा। ऐसा करना समय की मांग भी है। आप अपनी प्रतिभा से सभी को हैरान कर सकते हैं। आज के दिन आपका मन थोड़ा चंचलता की तरफ बढ़ेगा। वहीं जीवन साथी के साथ संगीत से जुड़ी चीजों में आपको खूब आनंद मिलेगा। संबंध खराब ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। आपके लिए उपाय है, आप छोटे बच्चों में बेसन के लड्डू बांटें। कर्क राशि वाले, कर्क राशि के जातकों को अभी मानसिक तनाव हो सकता है, जिस कारण मिलने वाले अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने में परेशानी आ सकती है। आज के दिन लाभ का योग बना हुआ है। निराशा को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करें, सफलता मिलेगी। रिश्तों में मधुरता बनाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके मन की बात को बहुत पसंद ना किया जाए, जिससे आप उदास हो जाएं। थोड़ा सा अपनी गाड़ी पर ध्यान देना फिलहाल बहुत जरूरी है। आपके लिए उपाय है, आप बड़ के पेड़ पर दूध में पानी मिलाकर चढ़ाएं और उसकी मिट्टी का टीका अपने मस्तक पर लगाएं। सिंह राशि वाले,
सिंह राशि वाले जातकों को धन लाभ का योग बना हुआ है। छोटे छोटे निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, नहीं तो हानि भी हो सकती है। धैर्य के साथ श्रम करते रहें, आपके संबंधों में दरार ना आ जाए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार की दूरी है तो मधुर वाणी से अपने संबंधों को संभालने का पूरा प्रयास करें। उपहार या खाने से जुड़ी चीज आपके समय को बेहतर बनाएगी। आपके लिए उपाय है, आप शनि मंदिर में जाकर शनि की मूर्ति का तैलाभिषेक करें। कन्या राशि वाले, कन्या राशि के जातकों को सोच समझकर ही निवेश करने की सलाह दी जाती है। भूमि से जुड़ी चीजों से लाभ हो सकता है। नए कारोबार को अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो इस दिशा में आज कुछ विशेष लाभ भी हो सकता है। संबंधों में प्रेम रहेगा और एक खूबसूरत समय आप अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे। वहीं रोमांटिक टाइम बिताने के लिए तैयार हो जाइए। कहीं घूमने का प्लान है या फिर कहीं छोटा सा ही ट्रेवल प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत उचित है। मन की बात को आप बहुत खूबसूरती से व्यक्त कर पाएंगे। आपके लिए उपाय है, आप अपनी जेब में पीले रंग का एक रुमाल रखें। तुला राशि वाले, तुला राशि के जातकों को धन से धन बनाने की दिशा में आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दिल और दिमाग का संतुलन बनाने का प्रयास करें, नहीं तो आज होने वाला लाभ प्रभावित हो सकता है। आप कर्जा लेने से बचें। आज के दिन आपका पूरा समर्पण अपने पार्टनर के प्रति रहेगा। आप बहुत खूबसूरती से अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे। आज के दिन आप अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ मधुर संबंधों का आनंद लेंगे। आपके लिए उपाय है, आप भोजन में मीठे की मात्रा बढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपके दिमाग में नए नए विचार आते रहेंगे। हकीकत के धरातल पर इन विचारों को जांचने के बाद आगे बढ़ें, सफलता मिल सकती है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने जीवन साथी के साथ आप एक अलग नज़दीकी महसूस करेंगे। अगर आपका कोई पारिवारिक संबंध खराब हो गया है या फिर किसी तरह का वैचारिक मतभेद हुआ है तो उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयास करें। करियर से जुड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप माता पिता की सेवा करें। धनु राशि वाले जातकों को आपके लिए गुस्सा करना नुकसानदायक हो सकता है। आपको होने वाला लाभ हानि में भी बदल सकता है आपके गुस्से के कारण। आपके प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ घर में बहुत बढ़िया समय बिताएंगे। अव्यक्ति के लिए अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक आयोजन का प्लान आने वाले समय के लिए भी बना सकते हैं। आपके लिए उपाय है, आप पीपल के पेड़ पर नित्य प्रति जल चढ़ाएं। मकर राशि के जातकों के लिए आज भ्रम और अज्ञात भय के कारण अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। बेहतर यही है कि धैर्य बनाए रखें और किसी वरिष्ठ या जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन का लाभ उठाएं। मन को शांत रखने की कोशिश करें। आज के दिन मन की चंचलता को आप बखूबी संभाल पाएंगे। कुछ बातों को लेकर आप थोड़ा सा तनाव भी महसूस करेंगे। किसी तरह के पुराने राज उजागर होने से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को बखूबी मैनेज कर पाएंगे। आपके लिए उपाय है, आप हनुमान मंदिर में जाकर घी का दिया जलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आप अपनी वाणी से धन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज आप रुके हुए कार्यों को पूर्ण भी कर सकते हैं। बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। किसी को धोखा ना दें। संबंधों को लेकर आपके मन में तनाव हो सकता है।
अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने से संबंधों में दरार आ सकती है। रिश्तेदारों के अपने साथ संबंध ठीक रखें, आपके लिए उपाय है, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि वाले, मीन राशि के जातकों को काम की अधिकता के कारण दिमाग पर प्रेशर बना रहेगा, इसे कम करने का प्रयास करें। लाभ की स्थिति बनी हुई है, भविष्य को ध्यान में रखकर आज आप निवेश भी कर सकते हैं। दिन आप अपने जीवन साथी के साथ खूबसूरत समय बिताएंगे। वहीं पारिवारिक रिश्तों में आपको अपनापन महसूस होगा, जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा, एक दूसरे से मन की बात शेयर करेंगे, भाग्य से जुड़ा फैसला मिलकर लेंगे। आपके लिए उपाय है, आप बृहस्पतिवार को व्रत करें। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले सप्ताह आपके नए राशिफल के साथ। नमस्कार।